किचन में आ गई हूँ। आज बनेगा देखिए इल्सा मछली और इधर है चिकन, जो चिकन ले लिया दो। आज फिश भी बनेगा, चिकन भी बनेगा। और इस तरह चावल ले लिया, चावल को धो के रख दूँगी भिगो के करीब आधा घंटा। उसके बाद हम भात बनाएंगे और सब सब्जी बनाएंगे, तो साथ में बने रहिएगा ज़रूर। तो चावल को धो के रख देती हूँ। और इस तरह मैं थोड़ा मसाला रखती हूँ, वो दिखा रही थी। और जो चम्मच और सब उधर रहता है मेरा कोने में। और ये गैस है, किचन का थोड़ा सा मैंने शेयर किया कि कौन सा चीज़ कहाँ रहता है। और चावल चढ़ा दिया पानी, पानी गर्म होगा तो चावल दे देंगे। और इसके बाद आ गई मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने। पहले अदरक को पीस लूँगी, फिर लहसुन को पीसूँगी। तब अलग अलग डब्बे में भर के हम रख देते हैं। पेस्ट बना हुआ रहता है तो खाना पकाने में इजी रहता है। तो मेरे पास ख़त्म हो गया था मेरा पेस्ट, तो आज मैंने लहसुन भी छीला और छील के अदरक छील के पेस्ट बनाया। उस तरफ चिकन को सब मसाला दे के मैरिनेट करके रख दिया। तो इधर फिश भी फ्राई कर ले रही हूँ, साथ साथ में सब काम होते जाता है। और उस तरह मेरा हस्बैंड सब सब्जी धो के रख देंगे, वो सब्जी धो देते हैं। और कभी कभी फिश भी मैं अदरक लहसुन छील रही थी तो उन्होंने मछली और चिकन ये सब धो दिए थे, और मैंने मसाला से मैरिनेट करके रख दिया। थोड़ा हेल्प कर देते हैं, संडे के दिन थोड़ा काम ज़्यादा रहता है तो थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं मेरा। छुट्टी के दिन उनका छुट्टी के दिन नाश्ता भी बनाते हैं कभी कभी, कभी कभी छुट्टी के दिन बहुत ही हेल्प कर देते हैं। देखिए खाना पका लिया मैंने, चिकन बनाया। देखिए इस तरह से एक सिंपल झोल बनाया चिकन का, और इधर ये फिश का भी एक झोल बनाया मैंने, इल्सा फिश का। तो ये बन चुका है, भात भी इधर बन चुका है। और इस तरह बच्चे लोग खा रहे हैं। मैंने पूछा कैसे बना, वो लोग तीनों जहाँ बैठते हैं मस्ती मारते रहते हैं, बोला अच्छा ही खाना पका है मम्मी, चिकन मछली सभी अच्छा बना है। तो गाइस गुड इवनिंग, शाम को 4 बज रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं घर का सामान लेने। तो थोड़ा तैयार हो गई हूँ, इस तरह से कान का पहना है और ये वाला कुर्ती मैंने पहना है, ये वाला कुर्ती पहना है और काला उन्ना लिया है, लेगिंग्स काला है। तो चलते हैं, फिर मिलती हूँ शाम को। देखते हैं बीच में कहीं वीडियो कर पाए तो थोड़ा बहुत करूँगी, नहीं तो सीधा घर पे आके मिलूँगी आप सबसे। तो चलिए मिलते हैं। तो देखिए इस तरह हमारा बाइक निकल चुका है, और बाइक को थोड़ा घर में था तो पोंछ लिए। और ये हम लोग का कॉलोनी है, हम लोग का घर का आसपास का जगह है ये। तो हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए रेडी। और ये हम लोग का थोड़ा सा दिखा होगा आपको, बाइक में तो शूट करने में बहुत दिक्कत होता है। ये चौरास्ता है, चौरास्ता में यहाँ एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हम लोग पेट्रोल भी भरा है, हवा दिए गाड़ी में, फिर गए। ये देखिए चौरास्ता के पास आपको दिखा रही हूँ, ये मेट्रो हो रहा है जो हमारे इधर मेट्रो। देखिए अभी चला नहीं है मेट्रो, अभी चलेगा ये, अभी रास्ता बन रहा है इसका। तो बहुत खूबसूरत रास्ता है, एक दिखाया आपको थोड़ा बहुत जो भी है बीच। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, बीच में मैं और कुछ शूट नहीं कर पाई थी, बाइक चलाते चलाते वो दिक्कत हो जाता है। और इधर देखिए दाल ये सब लूँगी सब, देखिए बास्केट में एक एक ले, मूंगफली भी लिया मैंने, तो सब ले लूँगी इस तरह से। यहाँ पे
पे देखिए कान का बहुत सारे झूला हुआ था, तो मैं देख रही थी, लिया नहीं मैंने, देखा प्राइस बहुत ज़्यादा बोल रहा था तो मैंने नहीं लिया, बोला बाहर ही अच्छा मिल जाएगा इसलिए लिया नहीं। और देखिए पीछे से मैंने आप सबको दिखाया, ये मॉल जैसा है। मेरा हस्बैंड इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं, माने डिस्ट्रीब्यूटर लिए हैं, तो हम लोग का घर का सामान जो भी होता है यहीं से आता है महीने का। तो इस कंपनी का नाम वेस्टीज है, जो मैं आप लोग को बोल रही हूँ, हम लोग ज्वाइन हुए हैं। तो पूरा ऑफिस आप लोगों को दिखाया मैंने थोड़ा बहुत जो भी है। और इस तरफ देखिए आगे मैंने बोला बच्चों को कुछ ले जाते बच्चे लोगों के लिए, तो मोमो ले लिया था। तो ये हम लोग का बिहाला का एक जगह है जहाँ मोमो बेच रहे हैं, जेनसोन सोलोनी माने कॉलोनी का नाम है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा शूट किया मैंने आसपास का, रात को कितना अच्छा लग रहा था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी था यहाँ पे, और पब्लिक में थोड़ा शूट करने में दिक्कत हो जाता है, फिर भी मैंने किया। और इस तरफ देखिए मोमो आ चुका है, तो बच्चों को दे दूँगी मोमो खोल के, बच्चे लोग खुश हो गए थे, मोमो बहुत पसंद करते हैं मेरे बच्चे लोग, तो मोमो लेके आई थी मैं उन लोगों के लिए। और कोल्ड ड्रिंक भी दिया था हम लोग को साथ में। तो गाइस अभी आ गई हूँ मैं, थोड़ा बच्चों के लिए मोमो भी लेके आई हूँ, रास्ते में आपको वीडियो करके दिखाया थोड़ा सा। और यहाँ बैठे हैं देखिए, आके देखो तो ये लोग ऐसे बैठे हैं, बड़ा वाला लड़की उधर बैठी है और बाहर दोनों छोटे यहाँ बैठे हैं। और पंखा का आवाज़ आ रहा है, पंखा का आवाज़ ज़्यादा आ जा रहा है, वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़ोर से पंखा चल रहा है। तो अभी फिर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, बहुत गर्मी हो गया। हम लोग जहाँ गए थे पूरा एक घंटा लग जाता है, और आने में और जाने में पूरा एक घंटा लग जाता है। तो थोड़ा बहुत रास्ते में भी थोड़ा शूट किया है, आप लोग देखिएगा। बाइक में बैठ के डर भी लग रहा था कि बाइक से कहीं मोबाइल उबाइल गिर जाने का, तो बाइक से ही शूट किया थोड़ा सा। और इधर मोमो भी लाए, गाड़ी कहाँ है? तो चलिए यहीं रखती हूँ वीडियो को, थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरा वीडियो कैसे हो रहा है आप लोग जरूर बोलिएगा। अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, किचन भी थोड़ा सा फैला पड़ा है होगा, दिखा रही हूँ। थोड़ा बहुत बच्चे लोग समेटे और थोड़ा सा है जो मेरे को समेटना पड़ेगा, वही है। अभी थोड़ा जो मोमो लाई हूँ वो बच्चों को दे देती हूँ, मैं खा लेती हूँ। कपड़े चेंज करूँगी पहले, थोड़ा नहा लूँगी उसके बाद। और जो भी घर का सामान लाई हूँ मैं कल दिखाऊँगी, कल का वीडियो में, कल ज़रूर वीडियो में बन आइएगा। और चलिए मैं सबका वीडियो देखने की कोशिश करती हूँ, देखती भी हूँ। और आज थोड़ा हो सके टाइम नहीं मिला, आज मेरे को 4 बजे निकली थी, अभी 9 बजे घर पहुँची हूँ। रास्ता में ट्रैफिक भी होता है। तो चलिए मिलती हूँ, ये वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय, टाटा, गुड नाइट, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जो कुछ लाई हूँ वो आप लोग को दिखाऊंगी, तो ज़रूर बने रहिएगा। तो बाय।